हेलो एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया। बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज एनोड रे या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्कवरी में हमें कुछ एक्सपेरिमेंट को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, ताकि हम उसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशंस गेन कर सकें। बात करते हैं किसके? एनोड रे या हम कह सकते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट हमें समझना है, दैट इज एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया करके हमने बताया कि कैसे हम इसके बारे में समझ सकें, तो साइंटिस्ट का नाम है, दैट इज नोन एज ई गोल्डस्टन। अर्नेस्ट गोल्डस्टन साइंटिस्ट थे, 1886 में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि एक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी यहाँ से हमें पता चली, मतलब उसके बारे में हमें पता चला। बात करते हैं जो प्रोटॉन वर्ड किसने दिया, तो वो दिया था रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्रोटॉन वर्ड गिवन बाय रदरफोर्ड। अब बात करते हैं एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है। इस तरीके से एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। इसकी लेंथ नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट होती है। ये लंबी सी ग्लास की ट्यूब, वो जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। जो दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जो एनोड है, जो टर्मिनल है, वो सिंपल एनोड है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है। कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन जो कैथोड है उसमें चेंज किया गया है, वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं परफोरेटेड कैथोड। मतलब क्या होगा? ऐसा कैथोड का टर्मिनल जो क्या हो, जिसके अंदर होल्स हो, जिसके अंदर क्या हो, होल, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे, ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, दैट इज परफोरेटेड कैथोड। मतलब कैथोड टर्मिनल तो है, लेकिन उसके अंदर काफी सारे क्या हैं, होल्स हैं। इस तरह का फिनोमिना होता है, तो वहां पे हम कहते हैं परफोरेटेड कैथोड वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? परफोरेटेड कैथोड यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर सर एयर है, इसको क्या कर देंगे? बाहर निकालेंगे। किससे? वैक्यूम पंप से। उसके बाद इसके अंदर फिल करेंगे हम हाइड्रोजन गैस को। कौन सी गैस को फिल करेंगे? हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। और उसके बाद इस वैक्यूम पंप से प्रेशर जो है उसको हम क्या करेंगे? लो करेंगे, क्योंकि लो प्रेशर पे गैस जो हो जाती है कंडक्टिंग। 10^-2 से 10^-4 एटमोस्फेरिक प्रेशर तक प्रेशर को कम किया जाएगा। जैसे प्रेशर कम करते हैं और वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज कितना हमें अप्लाई करना है, इस 10,000 वोल्ट या उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज पे, और लो प्रेशर पे जो गैस होती है वो कैसे जाती है? कंडक्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया और वैक्यूम पंप से प्रेशर को कम किया गया, तो देखा गया कि कुछ रेस निकलनी एमिट, मतलब निकलनी स्टार्ट हुई किससे? एनोड टर्मिनल से। और निकलने के बाद वो कहाँ चले गए? इस कैथोड की तरफ निकलने चलने स्टार्ट हो गए। तो हमें पता चला कुछ ऐसी रेस होती हैं जो एनोड टर्मिनल से निकली और कैथोड की तरफ जाने लगी, तो दैट इज नोन एज एनोड। इनको क्या नाम दिया? एनोड रे। लेकिन अगर जब इसका पूरा एग्जामिन किया गया तो देखा गया एनोड रे असलियत में 100% एनोड टर्मिनल से नहीं बनती। इसके लिए एक फिनोमेना होता है, दैट इज नोन एज नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉक आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक फिनोमेना होता है। ये फिनोमेना क्या होता है, पहले हम इसके बारे में समझते हैं। नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो कैथोड टर्मिनल्स है इससे कैथोड रेज निकलते हैं। क्या निकलती है? कैथोड रे। जब ये कैथोड रे एनोड की तरफ मूव करती है, जो कैथोड रेज हैं दे मूव टूवर्ड्स द एनोड। जो कैथोड रेज होती है किसकी तरफ मूव करती हैं? एनोड की तरफ मूव करती हैं। जब एनोड की तरफ मूव करती है, जो इसके अंदर गैस भरी गई है, कौन सी गैस भरी गई? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में अगर बात करें तो हाइड्रोजन के एटम्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स 1 होते हैं, और जो उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज प्रोटॉन को नाम देंगे हम आगे चल के, वो भी क्या होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। अगर हम बात करें, ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, बीच में हमें न्यूक्लियस होता है, ये बात भी रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने हमें बताई थी। बीच में क्या होता है? एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, और बाहर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस स्पेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जो कैथोड रे है, जो परफोरेटेड कैथोड से आगे की तरफ आई, ये हाइड्रोजन एटम है, जो इस हाइड्रोजन गैस का एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे ये जो कैथोड रेज है, ये इस जो एटम के पे स्ट्राइक करते हैं, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? यहाँ से नॉकआउट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। इसका मतलब जो बाहर जो है इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ से नॉकआउट हो चुके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचे नहीं, इसमें क्या हो गया? नॉकआउट मतलब निकल गए।
किससे निकाल दे, कैथोड रेस की बम्बार्डमेंट के कारण। कैथोड रेस की क्या होगी, बम्बार्डमेंट। जो बम्बार्डमेंट हुई कैथोड रे की, इस बम्बार्डमेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, नॉकआउट हो। अब क्या बच गया इसमें, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बच गया, एक पॉजिटिव चार्ज बच गया जो न्यूक्लियस का बेसिकली कंसिडर किया जा सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज काफ़ी सारे इकट्ठे होके एक रे का फॉर्मेशन कर दिया, दैट इज नोन एज एनोड रे, दैट इज नोन एज एनोड रे। बात समझ में आ गया, एनोड रे क्या होती है, एक फिनोमिना होता है या फिर एक रेस होती है जो पॉजिटिव टर्म से निकलती हैं और नेगेटिव तरफ जाती हैं। और हम कह सकते हैं असलियत में अगर बात करें तो इस एनोड और इस कैथोड के बीच में कहीं ना कहीं एनोड रे का ओरिजन होता है। इस रे का क्या होता है, ओरिजन होता है, और कुछ रेडिएशंस एनोड रे से निकलते हैं, तो कुछ वहाँ से आगे, कुछ यहाँ से बीच में से नॉकआउट हो गया, तो फाइनली जो रे बन के हमारे सामने, दैट इज नॉन एनोड रे। और एनोड रे में पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब जो उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है उसे क्या कह देते हैं, प्रोटॉन कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन द एनोड रे। ठीक है, तो एनोड रे के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होगा, प्रोटॉन। तो यहां से हमें पता चला कि एक फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। और जो प्रोटॉन वर्ड किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, क्योंकि न्यूक्लियस के बारे में बात की, तो न्यूक्लियस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है जिस साइंटिस्ट ने हमें बताई, दैट इज रदरफोर्ड। ठीक है, समझ में आया, दैट इज नोन एज अ एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके बाद बात करते हैं कि एनोड रे जो है वो यहाँ से चली, अब इसमें से पास हो गई, किसमें से पास होगी, इस परफोरेटेड कैथोड में से पास होगी। जैसे ही परफोरेटेड कैथोड से पास होती है तो ये जो होल्स दिखाई दे, होल्स इसमें से पास होगी, तो जो अब ये रेस अगर इस होल में से पास हो जाती है, इसलिए इसी कारण से इस रेस को एक और नाम दे दिया जाता है, दैट इज नोन एज कैनाल रे, कैनाल रे भी नाम, क्योंकि ये इस होल्स में से पास होती है, होल्स में से पास होते हैं, इसलिए हम कैनाल, जैसे सुरंग जो वर्ड हम यूज करते हैं कैनाल का मतलब ये कह सकते हैं, तो कैनाल रे मतलब इन होल्स में से पास होती है, दैट इज नोन एज कैनाल रे। जब ये कैनाल रे इस होल में से पास होकर आगे जाती तो यहाँ पे कोटिंग करवा रखे जिंक सल्फाइड स्क्रीन की, जैसे ये रेस इस पे आके हिट करती है तो पूरी की पूरी ट्यूब में ग्रीन ग्लो, कैसा ग्रीन ग्लो, फ्लोरोसेंस या ग्रीन ग्लो होना स्टार्ट होता है, मतलब ग्रीन कलर का ग्लो हो जाता है, तो हमें पता चलता है जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से एनोड रे वो यहाँ पे टकराए, और मतलब ये पार्टिकल्स बेसिकली स्ट्रेट लाइन में फ्लो फॉलो करते हैं। तो ये कुछ हमने इसके बारे में पढ़ा, दैट इज नोन एज एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें एनोड रे किस नाम से एक और जान सकते हैं, दैट इज नोन एज कैनाल रे, किस नाम से जान सकते हैं, कैनाल रे। तो समझ में आया कैनाल रे क्या होती है और कैसे कैनाल रे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती हैं, तो ये बात आपको समझ में आया। इसलिए हमने परफोरेटेड कैथोड लिया ताकि जो एनोड रे बनी है वो इसमें से पास हो जाए और आगे की तरफ मूव कर दे, इसलिए इसको कैनाल रे भी, एनोड रे का दूसरा नाम क्या हो गया, कैनाल रे, दैट इज नोन एज एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कैनाल रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अब बात करते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनोड रे, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनोड रे के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, मतलब एनोड रेस जो होती है वो क्या होती है। तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, एनोड रे की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले क्या आएगा, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से निकली और इधर की तरफ स्ट्रेट स्ट्रेट जाए, दैट इज दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। दूसरा कह सकते हैं इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो कह सकते हैं दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इसके पास जो चार्ज होगा कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और ये अगर ये रेस किसी मेटल फॉइल, अगर हम यहाँ पे कोई मेटल फॉइल लगा दें उस पर अगर ये रेस हिट करें तो वो मेटल फॉइल जो फॉइल है उसके टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जिसका मतलब दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, ये भी कह सकते हैं दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम कोई रोटेटिंग पैडल लगा दें, यहाँ पे एक रोटेटिंग इस तरीके से क्या लगा दें, एक रोटेटिंग पैडल लगा दें, मान लीजिए मैंने रोटेटिंग पैडल लगा दिया, रोटेटिंग पैडल लगाया तो रोटेटिंग जो पैडल है वो मूव होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जो एनोड रेस है दे आर मेटल नेचर, क्या कह सकते हैं, दे आर
मेटीरियल इन नेचर, इनका जो नेचर होता है दैट इज मेटीरियल नेचर, मतलब इनके पास पावर होती है, मेटीरियल नेचर होती है मतलब पावर होती है, समझ में आ गया। इसके बाद हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और भी बहुत सारी होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट करीबन करीबन हमें इसमें कवर हो जाती है। तो जो अगली प्रॉपर्टीज है वो है जो एनोड रे का नेचर है, एनोड रे का नेचर नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, ये बात रखनी है। द नेचर ऑफ एनोड रे, एनोड रे, द नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड या जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल करी गई है उसके नेचर पे ये डिपेंड करती है, कौन सी एनोड रे। इसका मतलब एनोड रे अलग अलग गैस के अगर हम इसमें फिल करें तो एनोड रे का नेचर चेंज हो सकता है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है दैट इज एनोड रे फॉर्मेशन, वो अलग अलग गैस पे अलग अलग हो सकता है और इलेक्ट्रोड पे वो डिपेंड करता है। इस तरीके से जैसा कि हमने कैथोड रे के बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा था, जो कैथोड रे नेचर ऑफ गैस नेचर इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पे जो एनोड रेज है वो नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से कुछ ये क्या थी प्रॉपर्टीज थी एनोड रे की, जो प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई, बहुत आसान सी प्रॉपर्टीज थी, ये सभी आपको समझ में आ गई है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स और फर्दर डिटेल्स के बारे में। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स और फर्दर डिटेल्स के बारे में, मास ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बात करें तो हम हाइड्रोजन गैस को ऐसे कंसिडर लेके चलेंगे इस एक्सपेरिमेंट में ताकि हमें जो वैल्यू है वो हमें समझ में आ जाए। बात करते हैं चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। अगर हम बात करें जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या था, नेगेटिव चार्ज था, दैट इज -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। सेम चार्ज जो होता है वो किस पे होता है, प्रोटॉन, क्योंकि हम मानते हैं और हम समझते हैं एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज बस साइन चेंज आएगा, उसमें नेगेटिव था इसमें पॉजिटिव। तो चार्ज कितना आएगा, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रेशियो ऑफ चार्ज टू मास का रेशियो इन केस ऑफ एनोड या प्रोटॉन के केस में। तो इसमें हम हाइड्रोजन गैस को कंसिडर करें क्योंकि आपको पता है जो नेचर ऑफ एनोड है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो हाइड्रोजन गैस को सबसे छोटी गैस हम कह सकते हैं, सबसे छोटा एटम होता है, तो हम कह सकते हैं इस H2 गैस को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका चार्ज टू मास रेशियो EM रेशियो जो होता है वो होता है हम कह सकते हैं 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। That is the value of charge to mass in case of proton और hydrogen gas को consider किया गया तो इसकी value 9.58 × 10⁴ कूलम पर। दूसरी गैस लेंगे तो ये वैल्यू दूसरी भी हो सकती है, समझ में आ गया। तो वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम, और चार्ज ऑफ प्रोटोन प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें मास ऑफ प्रोटोन, इसके बारे में बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज को चार्ज टू मास से डिवाइड कर देंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय जो चार्ज है हमारे पास उसको डिवाइड कर देते हैं चार्ज टू मास रेशियो से। ठीक है भाई, चार्ज को चार्ज टू मास, चार्ज आप सबको पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये चार्ज था। और चार्ज टू मास कितना है, हाइड्रोजन गैस में 9.58 × 10⁴ कूलम पर ग्राम, 10⁴ कूलम पर ग्राम, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास। अगर इनको डिवाइड करते तो हमारे पास आंसर आता है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये वैल्यू जो है नियरली इक्वल टू द 1 AMU,
नियरली इक्वल टू 1 AM कह सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ नियरली इक्वल, क्योंकि 1.6 × 10⁻²⁴ के दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 AM. इसका मतलब जो मास ऑफ प्रोटोन है वो कितनी आएगी, 1.6 × 10⁻². अगर किलोग्राम में लिखते हैं तो 1.6 × 10⁻²⁾ किलोग्राम हो जाए. बात समझ में आगे, दैट इज द मास ऑफ प्रोटोन. अब हम बात करते हैं कि इसका रिलेशन मास ऑफ प्रोटॉन्स इन, हम कह सकते हैं कैसे रिलेशन शो कर सकते हैं किससे, एएमयू से, वो बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं. ठीक है, तो देखिए मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू किसके बारे में बात करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू. तो बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन एएमयू के सेक्शन में, समझें तो मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू, एएमयू में कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मास है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम को, और एक एएमयू के मास से 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, 1.0072. हम कह सकते हैं नियरली इक्वल टू किसके हो जाएगा, वो नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के मास का. क्या आपको पता है हाइड्रोजन एटम जो होता है इसका मास जो होता है वो होता है 1.008 AMU के बराबर, या VU के बराबर कह सकते हैं. इसका मतलब ये जो मास आया दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसका मतलब हम कह सकते हैं जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. जो मास ऑफ प्रोटॉन है किसके बराबर होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर हो सकता है. इसका मतलब यहाँ से हमें ये चीज समझ में आ गई, जो मास ऑफ प्रोटॉन है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम के इक्विवेलेंट हो सकता है. समझ में आ गया, दैट इज द सेक्शन फॉर द मास ऑफ प्रोटॉन इन AMU. बात समझ में आ गई होगी, तो इतना सेक्शन आपको सबको समझ में आ गया. अब हम चलते हैं प्रोटॉन की डेफिनेशन की तरफ, हम बात करते हैं प्रोटॉन की डेफिनेशन. तो प्रोटॉन की डेफिनेशन क्या होती है इसके बारे में हम काम करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, तो प्रोटॉन की तरफ चलें, तो प्रोटॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल, लिख सकते हैं प्रोटॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच कैरीज वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दैट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दैट इज द चार्ज, वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड हैज मास इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज प्रोटॉन, दैट इज नोन एज प्रोटॉन. प्रोटॉन के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, प्रोटॉन्स क्या होते हैं और प्रोटॉन को कैसे हम समझ सकते हैं. तो यहाँ आके डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई. समझ में आ गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स क्या होती है और कैसे हम इस चीज को समझ सकते हैं. अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसके अंदर, एटम के अंदर, तो दो के बारे में तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. अब बात करें तीसरे फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे आई, क्यों आई, इसके पीछे हम एक बार थोड़ा सा पढ़ते हैं. जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था एटम के न्यूक्लियस के बारे में काफी चीजें बताई थी, और ये कहा था जो एटम का मास होता है बेसिकली कंसेंट्रेट ऑन द एटॉमिक न्यूक्लियस. एटम का मास कहाँ कंसेंट्रेट होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस पे. जब इसका एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, स्टडी करना स्टार्ट किया, तो देखा गया एटॉमिक मास डिफरेंट आ रहे हैं. तो खाली हम कह सकते हैं प्रोटॉन के मास से एटॉमिक मास नहीं बात बनती और नहीं हम समझ सकते हैं. तो हमने यहाँ से रदरफोर्ड ने कहा कोई दूसरा पार्टिकल भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो दूसरा पार्टिकल प्रोटॉन को छोड़ के जो दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट होता है एटम के न्यूक्लियस में, उसका उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज उसके ऊपर, क्या कोई नहीं होता, नो चार्ज ऑन अनदर पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. न्यूक्लियस ऑफ एटम, एटम के अंदर जो ऐसा पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं होता वो भी प्रेजेंट, लेकिन उसका मास होता है. उसने ये कहा, क्या कहा, दे हैव मास, दे हैव
मास, लेकिन उसका क्या होता है, मास होता है, उसका जो पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट उसका क्या होता है, मास होता है। तो यहां से एक नई बात समझ में आई कि ऐसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज लेकिन जिसका मास हो, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। इसके लिए डिस्कवरी के लिए बेसिकली जेम्स चैडविक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज नोन एज स्केटिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जा सकता है। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जेम्स चैडविक का मतलब, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो बेसिकली जो साइंटिस्ट थे दैट इज नोन एज जेम्स चैडविक, किसने, गिवन बाय जेम्स चैडविक, जो चैडविक साइंटिस्ट थे जेम्स चैडविक, उन्होंने 1932 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दैट इज नोन एज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अल्फा रे, बाय यूजिंग अल्फा रे। अब बात करते हैं पहले अल्फा रे क्या होते हैं, अल्फा रे जो होती है दैट इज इक्वल टू द हीलियम, जो हीलियम एटम होता है दैट इज इक्वल टू अल्फा रे, हीलियम एटम जो होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 4, दैट इज इक्वल टू द अल्फा रे, ये जो पार्टिकल्स होता है दैट इज इक्वल टू द अल्फा रे, ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी। इसने क्या किया, अल्फा रे का एमिशंस करवाया किस पे, बेरियम और बोरोन एटम के ऊपर, ठीक है, बेरियम और बोरोन के एटम पे। तो बेरियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और एटॉमिक मास होता है 9, इस पे एमिशंस करवाई गई अल्फा रे, अल्फा का मतलब हीलियम 2 4, दैट इज नोन एज अल्फा रे, दैट इज नोन एज अल्फा रे, ठीक है। अल्फा रे के एमिशंस करवाई, अल्फा रे के एमिशंस करवाने के बाद देखा गया एक नया पार्टिकल बना, दैट इज कार्बन, उस नए पार्टिकल का एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है। कैसे पता चला, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 4, टोटल एटॉमिक मास कितना 30, तो 12 तो यहाँ आ चुका है। जो नया पार्टिकल बना n मीन्स न्यूट्रॉन, उसका मास होता है 1 के इक्वल, लेकिन यहाँ पे 4 + 2 = 6 हो चुके हैं, तो चार्ज कितना हो 0। तो जो नया पार्टिकल्स इसमें एमिट हुआ दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन। समझ में आ गई होगी बात, न्यूट्रॉन क्या होता है, ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं लेकिन इसका मास होता है, दैट इज नोन एज न्यूट्रॉन, दैट इज अ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय द जेम्स चैडविक, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग अल्फा रेस, ये एक्सपेरिमेंट था। सेम एक्सपेरिमेंट बोरोन एटम पे परफॉर्म किया गया तो भी हमें अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पता चला। इस तरीके से पता चला कि जो प्रोटॉन्स सॉरी जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उस पे मास होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स के डिटेल्स के बारे में, जो न्यूट्रॉन्स क्या कुछ होता है और उसके हम डिटेल्स पढ़ें। तो न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज जो होती है नियर अबाउट ना के बराबर हो, लेकिन उसके चार्ज और मास के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो हमें पता है अभी हमने बात करी इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब नो चार्ज, कोई भी चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होता, किस पे, न्यूट्रॉन पे। लेकिन अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, इज नियरली इक्वल, मतलब अगर कहें तो अगर दोनों में कंपेरिजन किया जाए स्लाइटली, थोड़ा सा कंपेरिजन किया जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन, लेकिन नियरली इक्वल हम कह सकते हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के नियरली इक्वल होता है। प्रोटॉन की मास की वैल्यू कितनी है, 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम, दैट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज द वैल्यू ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये बात हमने फाइंड करी थी। तो ये वैल्यू इक्वल नियरली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.675 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये वैल्यू हम कहते हैं इज नियरली इक्वल टू दिस वैल्यू, इसका मतलब कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट हो सकती है। बात समझ में आ गई, दैट इज द मास ऑफ वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन और चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन। बात समझ में आ गई, ये था हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो यहाँ आके तीनों फंडामेंटल पार्टिकल, तीनों कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं एक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो टेबल के फॉर्म में हम पढ़ सकते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखिए डिफरेंस
बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में क्या डिफरेंस होता है? तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखेंगे हम प्रोटॉन, और भाई यहां पे लिखेंगे न्यूट्रॉन। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक टेबल को बना लिया। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो सीरियल नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ क्या आ सकते हैं? सीरियल नंबर। अगर हम सीरियल नंबर फर्स्ट पर देखें तो डिस्कवर्ड बाय किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन के लिए हम बात करें तो जे थॉमसन साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया। अगर प्रोटॉन डिस्कवर देखें तो क्या नाम था? ई गोल्डस्टन साइंटिस्ट का नाम क्या? अर्नेस्ट गोल्डस्टन। और न्यूट्रॉन में बात करें तो जेम्स चैडविक, किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक। इस तरीके से डिस्कवर्ड बाय मतलब किस किस प्रॉपर्टी में क्या डिस्कवर्ड बाय किसने? जे थॉमसन ने, गोल्डस्टन ने और जेम्स चैडविक ने। इसके बाद हम बात करें सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी इसका? हम कह सकते हैं इसका नेचर। ठीक है, हम कह सकते हैं हम इसका नेचर या फिर इस पे चार्ज के बारे में बात कर सकते हैं। इसके बारे में बात चार्ज के बारे में बात कर चार्ज कैसा होगा इस पे? इस पे होता है नेगेटिव चार्ज और इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे नो चार्ज। इस पे कोई चार्ज नहीं। अब इसमें लिख सकते हैं चार्ज की वैल्यू। तीसरे नंबर में लिख सकते हैं चार्ज वैल्यू कितनी आएगी? तो चार्ज वैल्यू इस पे आएगी -1.6 × 10⁻¹¹ इसमें आएगी +1.6 × 10⁻¹¹ और इस पे नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यू ऑफ मास समझे। तो मास कितना होता है इसका? 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम। इसका कितना आएगा? 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम। और इसका आएगा 1.675 × 10⁻²⁴ ग्राम। ठीक है, ये हो गया मास की वैल्यू इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गया, चार्ज की वैल्यू होगी, मास की वैल्यू होगी और डिस्कवर बाय किस किस ने इसको डिस्कवर किया, ये वैल्यू। अब हम बात करते हैं रिलेटिव मास की। अगर बात करें रिलेटिव मास, रिलेशन मतलब जो मैंने मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ बताया था, इसका रिलेटिव मास क्या होता है? 1/1837 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये किसके बराबर होगा? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज इक्वल टू हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर, या फिर इसको इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। ये भी हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर दैट इज इक्वल टू द मास 1 के इक्वल। इस तरीके से हमें रिलेटिव मास और काफ़ी सारे सेक्शंस के बारे में समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस सम प्रॉपर्टीज। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज। तो समझ में आ गई व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में आपको समझ में आ गया। तो यहाँ आके हमारा जो ये टॉपिक था जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन डिस्कवरी हमने सेक्शंस में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे आके हमारा टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। थैंक यू।